तो नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। सीधे काम की बात पे आते हैं। आज हम लोग 4S बैटरी बनाने जा रहे हैं, जो कि बैटरी है 3.7 वोल्ट का। ये मैंने 4 ठो बैटरीज ख़रीदा है मार्केट से, 130 रुपया करके मिला है। ये ओरिजिनल वाला मिला है, मार्केट में बहुत सारा डुप्लीकेट वाला आइटम्स मिलता है। और बैटरी को हम देखते हैं वीडियो में, बहुत सारे लोग ऐसे ही चिपका देते हैं, लेकिन हम लोग ये होल्डर का यूज़ करेंगे। ये होल्डर बस मात्र 5 रुपया करके, 2-3 रुपया करके मिलता है, और काफ़ी आसानी से बैटरी को प्लेस कर सकते हैं, और बैटरी काफ़ी सुंदर भी देखने में लगता है हम लोग को। तो हम लोग इस तरह से इसको लगा दिया करेंगे। लगाने के बाद बैटरी एक प्लस दूसरा माइनस के पोजीशन में रखते चले जाएंगे, ताकि हम चारों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर सकें। तो रेडी है, प्लस माइनस करके हम लोगों ने रख दिया, और इसी तरह का एक और होल्डर बना के रखा था, जो कि इसको हम लोग लगा देंगे। तो तैयार हो गया। इतने में ही इतना अच्छा से प्लेस्ड भी हो गया, और इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का संभावना भी नहीं रहता है। अब ये है दोस्तों BMS, 4S BMS कह के आता है मार्केट में। ये मैंने 200 लगभग के आसपास में ख़रीदा हूँ मार्केट से। इसमें देख सकते हैं सारा मार्किंग्स बहुत अच्छे से लिखा हुआ रहता है, हर एक को वही मार्किंग के हिसाब से जोड़ लेना है। ये चारों तार हम लोग बैटरी को अलग अलग वोल्टेज में, जैसे सीरीज में जोड़ते चले जाएंगे। मैं आपको डायग्राम दे दूंगा लास्ट में, आप वो लोग देख के आप लोग जोड़ के बना सकते हैं। इस तरह से साट दूंगा। डबल टेप से साटने के बाद कुछ इस तरह बना है। तार को आप अपने सुविधा अनुसार काट लीजिए और कनेक्शन के लिए रेडी हो जाइए। अब दोस्तों, बहुत कोई लोग स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा चीज़ होता है, बट मेरे पास वो है नहीं, और इसको इसलिए हम लोग सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि बिना इसको हीट किए हुए सोल्डरिंग करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले स्क्रैच कर लें। स्क्रैच करने से होता है कि वहाँ पर सोल्डरिंग काफ़ी आसानी से तुरंत पकड़ लेता है, और बैटरी हीट भी नहीं होता है। हम लोग सोल्डरिंग काफ़ी तुरंत करना है हम लोग को, ताकि बैटरी ख़राब ना हो। तो देखिए कैसे हम सोल्डरिंग किए हैं। तो सोल्डरिंग करते समय ध्यान से एकदम तुरंत एकदम सटाना है और सोल्डरिंग कर देना है। 1 सेकेंड भी नहीं लगा मुझे, मैंने सोल्डरिंग कर दिया, जिससे कि बैटरी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने बैटरी तैयार कर लिया है सोल्डरिंग करके। ये डायग्राम मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, कैसे मैं सारे को कनेक्शन किया हूँ। सारा चीज़ कनेक्शन होने के बाद, काफ़ी आसान कनेक्शन है, इसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। अब सबसे पहले मल्टीमीटर से हम लोग चेक करेंगे। शुरू में जो पावर आउटपुट है वो हम लोग को 0 मिलता है। इसके लिए घबराए नहीं, क्योंकि ये BMS का ये सेटिंग ही ऐसा है कि जब तक पहला चार्ज नहीं करेंगे पहली बार, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। मैंने ये 6 एम्पियर का बैटरी चार्जर लिया हूँ इसे चार्ज करने के लिए। चार्ज नहीं करूँगा इससे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्पियर्स है इसमें। मैं उसका भी चार्जर जल्दी ही बनाने वाला हूँ और वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर 18 वोल्ट के लगभग दे रहा है, जिसको कि एक बार एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को ज़रूरी चाहिए। तो दोस्तों, एक्टिवेट कर दिया हूँ। अब इसका वोल्टेज नापते हैं, नाप के देखते हैं कि कितना आउटपुट हमारा कनेक्शन सही हुआ या नहीं। तो इसके लिए जो आउटपुट तार है उसमें हम लोग मल्टीमीटर का कनेक्शन करके वोल्ट नापेंगे, और वोल्टेज नापते हुए देखेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ये लगभग 15.62 वोल्ट आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। एक बैटरी 3.7 वोल्ट का होता है, जो कि चार बैटरी मिलके 15.62 वोल्ट दे रहा है। इसका चार्जिंग करने का ये लगभग 16 से 17 वोल्ट के आसपास में इसको चार्ज करना है, और हम लोग कर लीजिए बैटरी बन के तैयार हो गया।